अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई की खबर पर नौतनवा में फूटे पटाखे, बांटी गई मिठाई। 20 साल बाद पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई की खबर मिलते ही उनके कर्मभूमि नौतनवा विधानसभा कार्यालय पर लोगों ने जमकर खुशी मनाया। इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। बता दें कि पूर्व मंत्री और यूपी के चर्चित मधुमिता हत्याकांड के आरोपी अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आएंगे। उनकी रिहाई का आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर उनके समर्थकों ने काफी उत्साह देखा गया। महाराजगंज के 316 विधानसभा क्षेत्र नौतनवा कार्यालय पर समर्थकों द्वारा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार की गई। इसके साथ ही पटाखे फोड़कर लोगों को उत्साह देखा गया। बताते चलें कि पूर्व मंत्री और यूपी के चर्चित मधुमिता हत्याकांड के आरोपी अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आएंगे। आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी की समय से पहले ही रिहाई का शासन आदेश जारी हो गया है। अमरमणि त्रिपाठी को मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वह 23 दिसंबर 2003 से जेल में बंद है। अमरमणि के अच्छे आचरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने यह आदेश जारी किया है। बस यही कहा जा सकता है कि नौतनवा को ऑक्सीजन मिल गया है। अब उनका आना नौतनवा के विकास का एक पर्याय है, क्योंकि जब वह थे तो माना जाता था कि उस समय विधानसभा लक्ष्मीपुर होता था और अमरमणि लक्ष्मीपुर के विकास के लिए निरंतर सोचने वाले व्यक्ति थे और क्षेत्र की जनता हमेशा उनको बेगुनाह मानती थी। हाँ, यह है कि जो भी है, आज सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद।